राजीव शर्मा, नारा निवासी बीजेपी नेता विनोद खरब का मामला अब लगातार पकड़ता जा रहा है और लगातार उसमें नमस्कार, छिटी तालका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन और एक बड़ी खबर के साथ आपके बीचों बीच में लाइव हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर जो लोग हैं उनकी ओर से एक और बड़ा आरोप लगाया गया है कि पानीपत से छोटा नारा निवासी विनोद खरब अब लगातार सुर्खियों में है, जहां लगातार जो मामला है गरमाया हुआ है। बीजेपी नेताओं के नजदीकी रहे यानी बड़े नेताओं के संपर्क में बताया जा रहा है और एक और पक्ष यानी पुंडरी से विधायक के बेटे ने एक शिकायत पुलिस को दी थी और लेकिन अब एक और पक्ष जो है वो अब सामने आया है। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, कि क्या पूरा मामला है और कैसे उनको नौकरी का आश्वासन दिया था। क्या नाम है जी? क्या कुछ मामला? वेदपाल नाम है जी। जी बताइए सर, कैसे आप उनके चंगुल में फंसे, कैसे आपने अब मामला दर्ज करवाया है? पहले था जी, पहले आया जाए थी विनोद के साथ, पता लग गया था भाई मेंबर बन गया अपना सत्यवान सेरा जी। विनोद ने कहा मेरा दोस्त है खास, एक पहले काम होया था उसमें 1,00,000 रुपये पहले भी दिए थे 2 साल पहले जी। फिर विश्वास हो गया था, चंडीगढ़ भी ले गया था हमने, पूरा विश्वास था विनोद पे, विश्वास था विनोद के कहने पर हमने 20,00,000 रुपये दे दिए, 20,00,000 बाद में देने थे, 40,00,000 में बातचीत हुई, 40,00,000 में बात हुई थी तो बात नहीं हुई। फिर हमने कहा भाई नाम तो नहीं आया, विनोद बोले आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दिवाली बढ़िया मनाएगी थारी, मेरी बात हो ली है ऊपर, बात हो ली वेटिंग में नंबर है, सत्यवान जिया से बात हो ली। बोला मैं बोला तू चल मैं मेरे को लेकर चल, बोला कोई नहीं प्रधान जी ने नाइट रखा भाई सीधा किसी को मत लेकर आ तू, अकेला काम कर तू आगे से पैसे ले काम मैं कराऊंगा। एक बार मेरे को ले गया था, बोला तेरे को यकीन है पहले सत्यवान पे तू मिलवा रखे सारी बात करा रखी तेरे से, तो मैंने यकीन था सत्यवान पे भी वहाँ पे मेंबर है तो काम तो हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हुआ। मैं सत्यवान के पास भी गया था फिर दोबारा जी, सत्यवान बोला मेरे को ऐसे ऐसे तंग करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं बोला भाई ये तो मैं बोलने बगैर हटूंगा, कहीं बोलना पड़ो मेरे 20,00,000 रुपये दे दे जी मैं बंद हो जाऊंगा। बोला विनोद पहले मेरे को क्या पैसे, दोनों तो हो था हम साथ में जी। बोला विनोद के पास पैसे, मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे दे तू मैं बंद हो जाऊंगा ना तो मैं तो बोलूंगा चाहे मैंने कहीं जाना पड़ेगा जाऊंगा। तो अब पैसे नहीं मिले तो अब आपने पुलिस में इसकी शिकायत दी? बस ये तो आखिरी में ये था, एक नू के अंदर है बस, कल ने परसों ने कल परसों करके ये 7 महीने 8 महीने निकाल दिए, बस 2 दिन तो ऊपर टाइम नहीं दे, 10 दिन तो ज्यादा 10 दिन का होते। फिर कौन था मेरे पास, कम से कम 200-300 रिकॉर्डिंग है, रिसीप में रिकॉर्डिंग है सारी, हर बात की रिकॉर्डिंग है उनकी। इसमें किस किस की बातचीत है? इसमें तो खास तो विनोद की बात है, क्योंकि विनोद बार बार ये कहता वो बात नहीं करेगा फोन पे, और नहीं बात करेगा, तेने जो बात करनी हो मेरे से कर। जब उनकी आपस में बिगड़ तिगड़ गई फिर विनोद कहने लग गया यार मेरे को पैसे नहीं दे रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मगर भाई मन ने क्या ठेका है मैं क्या करूँ, मन तो पीछे चाहिए हैं जी, उस पर लेके दे तू दे कुछ करो मेरे तो पैसे चाहिए हैं। थोड़ा स्पष्ट करके बताइए किस लिए पैसे दिए आप लोगों ने? एसआई की भर्ती के लिए दिए, एसआई की भर्ती थी उसके लिए दिए, 40,00,000 में बात हुई थी, 20,00,000 पहले 20,00,000 बाद में। बोला बढ़िया तेरा काम हो जाएगा, मिठाई खुआ दिए, ये कर दिए वो कर दिए, हमारे घर की बात है, मेंबर है, ऊपर पूरी सेटिंग है ऊपर से नीचे तक, यकीन हो गया, बस यकीन में मैं फंस गया, ये है बात है। शिकायत आपने अब एसपी को दी है? कल मैंने एसपी साहब को दी है शिकायत जी, एसपी साहब ने मार्क करी है वहाँ मतलोडा थाने में, कल एसएचओ साहब थे नहीं, आज अब जाएंगे, यहाँ भतीजा बीमार है ऑपरेशन होगा उसके बाद जाएंगे मतलोडा थाने में। टेलीफोनिक बातचीत हुई थी सत्यवान सेरा के साथ आज ही कुछ ही देर पहले, जब आपसे फोन किया तो उसके पहले उनसे बातचीत हुई, वो साफ तौर पर इस पूरे मामले से मना कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो करेगा ही तो मना करेगा, अगर वो वहां पर ले तो फिर तो अपने आप पे नहीं बात सीधी हो जाए, वो क्यों कहेगा मैंने लिए पैसे, वो तो साफ को होगा। मैं गया था उस टाइम में, मेरे तो बोला भाई क्यों तू ज्यादा मेरे को तंग कर रहा है, मेरे को आगे वो करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को विनोद को तेरे को देख लूंगा, ये भी कही थी मेरे सामने, मां तू जा देख ले तने जा जो कुछ करना, मैं जो बात है सच्चाई बोलूंगा जी। मां तू दादी सती पे आ जा, तू नेम कर दे वहां आकर, अगला बोल रहा पंचायत कर तू दादी सती पे, पंचायत करेंगे। मैं बोला मैं क्यों आज, मेरे को क्या जरूरत लग रही है, मनू कर दूंगा देख लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरी वो करी उन्होंने धमकी बाजी दी है। मां चलो कोई बात नहीं, जो भगवान ने करना हुआ देखेंगे।
इससे पहले भी आपने सत्यवान सेरा को पैसे दिए थे किसी काम के लिए? यही विनोद सत्यवान सेरा था, वही दिए थे। 2 लाख दिए थे, 1 लाख दिए, मतलब 2 लाख में बात हुई थी जी। 1 लाख दिए थे उस टाइम जी। फिर काम हुआ नहीं? काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। काम भी यहाँ था, यहाँ ये अपना चौकी का काम था, ये अपना जमुना चौकी का, कोई पुलिस की बदलिया काम था, नहीं हुआ वो भी काम। किसी तरह की कोई धमकी वगैरह भी मिली आपको, जैसे आपने पैसे के लिए बोला? धमकी तो यही को है भाई, मैं देख के छोड़ दूंगा, विनोद ने भी देखूंगा, तन भी देखूंगा, मैं तू देख लिया भाई, जो देखना तन, सच्चाई की बात है, सच्चाई में कहाँ डरना है जी। सच्चाई मेरे पैसे ले रखे, कहीं चल तुम खेड़े पे मंदिर, कहीं जमुना में हरिद्वार, कहीं नेम करवा ले, पैसे नहीं हो तो चाहे तू चल भाई, दादी सती में आ जा गाँव में, पंचायत कर ले तू, दादी सती पे आकर नेम कर दे, हम अपने 20 लाख छोड़ देंगे। साहब मना कर गया, बोला मैं क्यों कर दूं, मेरे क्या जरूरत लग रही है, जरूरत क्यों नहीं है भाई तेरे, तो कल ना तू इलेक्शन लड़ेगा, तू अपना साफ होने के लिए आ जा, तू सीधा होकर, सीधा होगा तू सफाई दे अपनी पूरे गांव के आगे, दादी सती पे तो पूरी मानतान है, कोई बैठ कर बात करो अपनी, जो साफ होगा तू साफ पे रहोगा, कौन मेरे कैसे झूठा थोड़ा हो जाएगा, अगर साफ है तू आ जा दादी सती पे, करने मंदिर में बात नाटिया, बिल्कुल मना कर गया मैं नहीं आऊंगा। क्या आपको इस पूरे मामले में सरकार की भी जो है मिली भगत लगती है, क्योंकि एक हफ्ता पहले इस पूरे मैटर से, एक हफ्ता पहले सत्यवान सेरा का इस्तीफा ले लिया गया था जो HSSC के वो मेंबर हैं, हाँ जी, ताकि उनका जो राजनीतिक करियर खराब ना हो सके, तो क्या लगता है सरकार की मिली भगत इसमें आपको लगता? सरकार के जी हम क्या बताऊं, सरकार के पास तो हम गए नहीं अभी तक जी, हम तो SP साहब के पास गए थे कल पहली बार जी, चाहे सत्यवान के पास गए हैं, चाहे विनोद के पास गए हैं, 3 आदमी पास गए हैं सरकार के, तो हम कहो भाई खट्टर से मिले हम नहीं मिले हैं, बाटिया साहब से बोला था एक बार जी, बाटिया साहब ने कहा भाई मैं ऊपर बात करूं, विनोद ने आप ली थी बाटिया साहब से फोन पे, तो दे रखे पैसे आ रहे हैं जिनके, अच्छा विनोद ने क्लियर कह दिया जी 20 लाख रुपया आ रहे हैं बाटिया के सामने, उन्होंने स्वीकार, हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लिया, पैसे वहाँ है जी सत्यवान सेरा के पास। कितने दिन पहले की बात है जी? ये हुई दिवाली तो पहले की, ना ये 4 महीने की बात है, 4 महीने की बात, ना ही दो पैसे दे रखे हैं 20 लाख, टोटल 20 लाख दे रखे, हाँ जी। कितने दिन हो गए? ये दिवाली से 1 महीना पहले दिए थे, पिछले साल दिवाली से कितने, हाँ तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल हो जाएगा इसे, और 1-2 महीने ऐसे एक एक दिन करके निकाल दिया, एक हफ्ता का टाइम दे दे, एक हफ्ते में तेरे पैसे मिल जाए, मेरे पास 300 रिकॉर्डिंग है इस बात की। अब जैसे मामला सामने आया है, अब आप शिकायत दे रहे हैं, इससे पहले कोई बातचीत हुई, कोई शिकायत वगैरह दी हो? ना इससे पहले मैंने शिकायत दी नहीं कहीं, जब बात थी मैं पैसे दे देंगे तो, और मैंने क्या चाहिए भाई मेरे पैसे मिल जाए, चलो नुकसान, पैसे विनोद के थ्रू ही गए हैं? विनोद के थ्रू डायरेक्ट? नहीं विनोद के, दोनों इनके सिस्टम का है पैसे, नहीं वैसे डायरेक्ट विनोद को दिए हैं या और किसी को? नहीं विनोद को, विनोद को, हाँ। क्या लगता सर दोनों ने मिलकर करीब कितने लोगों को चूना लगाया होगा, कितने करोड़ रुपए तक? 5-7 आदमी तो मेरे पास आ लिया भाई, मेरा भी कर रखा, मेरा भी कर रखा, मेरा भी कर रखा, मैं क्या बताऊं, नारे गांव का सरपंच ने भी कहा मेरे को, मेरे भी पैसे खा रहा है भाई, तू अपना कर काम, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरा अपना हो जाए मन तो वही बता रहा, मैं किस किस का करूंगा। अगर ये रिकॉर्डिंग चलाएं तो इसमें खुलासा हो जाएगा अच्छे से? खुलासा होगा, 300 रिकॉर्डिंग, हाँ खुलासा होगा, तेरे परसों तक पैसे मिल जाएंगे, ऐसे ऐसी रिकॉर्डिंग है इसमें, 2 दिन रुक जा तू, तू 4 दिन रुक जा, मेरी बात हो ली है, क्लियर बात हो ली, पैसे मिल जाएंगे, ये रिकॉर्डिंग है इसमें। काम से मना कर दिया तो पैसे देने की बात क्या, दोबारा भाई पैसे मिल जाएंगे आपके? जब वो नाम नहीं आया तो उन्होंने कहा तेरे पैसे मिल जाएंगे, मैंने कहा मेरे पैसे दे दे, जब काम नहीं हुआ तो बोले आ जाएंगे पैसे, पहले शुरू में कैंसिल होते एक हफ्ते कहने लगा हफ्ते मिल जाएंगे, फिर 10 दिन मिल जाएंगे, फिर 15 दिन। आप कैसे इसके झांसे में है, इतना बड़ा नेता तो है नहीं किसान मोर्चा का, बस कैसे पहले कहूँ, ये जो 2 लाख वाली बात हुई पहले यकीन दुआ रखा था भाई मतलब काम होगा बढ़िया, लेकिन नहीं हुआ। सरकार बिना खर्ची पर्ची की बात करे लेकिन कहीं लगता है आप भी ने भी गलती की है पैसे देकर, इसको अब तो कुछ भी लगाओ फंस रहे हम, गलती लगाओ ना तो हमने तो यकीन था भाई लगवाएगा, ये 20 लाख 40 लाख हम बात हुई है वहाँ लगवाओगा, कहीं कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके दिए हैं, और घर के पैसे तो कहाँ होते हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तो ये पीड़ित है। एक और पक्ष जो है अब सामने आया है जिनकी ओर से साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक मामला कुछ दिन पहले आया था जहां अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है, और पुलिस जो है SP साहब हैं जिले के, उनको इनकी ओर से
शिकायत दी गई है। चाहते हैं कि जो पूरे मामले की जांच हो। एक जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों के पास है, और यदि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इनके पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास बहुत सारी बताई जा रही है, यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है, ऐसा उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। और सत्यवान सेरा पर भी इनका आरोप है कि दोनों की ओर से जो है सत्यवान सेरा और विनोद खरब दोनों की ओर से इनसे मिली भगत कर इनसे पैसे लिए गए हैं। 40 लाख रुपए में बात होती है, बाद में इनकी ओर से 20 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन जब लिस्ट में नाम नहीं आता तो इनकी ओर से पैसे जो है मांगे जाते हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी एक दिन दो दिन चार दिन ऐसे ऐसे टालमटोल जो है पैसे की जाती है। लेकिन आरोप इनकी ओर से साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि 40 लाख रुपए में नौकरी लगवाने के नाम पर जो है इनसे पैसे मांगे जाते हैं, जिसमें 20 लाख रुपए जो है इनकी ओर से दिए गए हैं। और एसपी को इन्होंने इस पूरे मामले से अवगत कराया है, एक शिकायत इनकी ओर से दी गई है। और पूरे का पूरा जो मामला है वो आपको पता है कि अब कुछ दिन पहले ही यानी कि जो पुंडरी से विधायक है उनके बेटे की ओर से शिकायत दी गई थी। हालांकि आप समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, क्योंकि विनोद खरब जो है उनको जो भाजपा के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ बताया जा रहा है कि उनकी अच्छी खासी पकड़ है उनके साथ, और शायद उसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस पूरे जो मामला है वो रचा है। और अब दूसरा पक्ष जो है वो सामने आया है, गंभीर आरोप इनकी ओर से भी लगाए जा रहे हैं कि 20 लाख रुपए इनकी ओर से दिए गए हैं, और काफ़ी सीसीटीवी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो इनके पास है, यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो उसका पूरे मामले का जो है वो खुलासा हो सकता है। तमाम लोगों से अपील की कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, और अपना प्रतिक्रिया जो है कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।